खुद रहेंगे, लेकिन आज तक उस पर कहीं भी कुछ भी नहीं। रमेश कौशिक जी ज्यादा जानकारी देंगे, तो कल इनको सौंपा है सर एमपी साहब, आप एमपी साहब बताएंगे, उनसे जानकारी नहीं लेना। हम तो आपको जो आपकी रेलवे फैक्ट्री बनी है, मारुति का उद्योग आया है, बहुत बड़ा उद्योग सोनीपत में आया है, आप उसकी जानकारी हम चलेंगे, हम आपको बताएंगे। उदयवान जी क्या करें, उदयवान जी ये कह रहे हैं कि भाजपा और जेजेपी के 15 से 20 विधायकों की सूची उनके पास है, जल्द ही कांग्रेस में शामिल करने की तैयारी है। चौधरी उदयवान हमारे भाई हमारे विधायक हैं, हमारे याद करने वाले हैं, उनके ना कि उनकी सूची किसी के पास हो वो क्या करेंगे। उदयवान जी की सूची किसी के पास हो एडवांस में है तो बता दे क्या जवाब। मेरे पास सूची है, अगर सूची हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा। सर आज सर जो मीटिंग थी उसमें जो शिकायतें थी, आपको लगता है सर कुछ बेहतर स्तर की शिकायतें दर्ज होनी चाहिए थी। नहीं, मैंने ये क्या है, इस तक शिकायत तो छोटी हो बड़ी हो हर आदमी, जिस आदमी को पीड़ित करने वाली वही शिकायत मानी जाती है, पीड़ा बड़ी से भी है पीड़ा छोटी से भी। शिकायत है, पर क्या है कि शिकायतों का एक ये होना चाहिए, शिकायत किस तरह की हो, जिसका मान लो इसको तो अधिकारी निपटा सकते हैं। धनबाद प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह का बयान आया, उन्होंने शहजा तहसीलदार द्वारा 2 दिन में 80 रजिस्ट्रियाँ की गई हैं और 200 रुपये प्रति गज के हिसाब से पैसे लिए गए हैं सर अवैध कॉलोनियों में। नहीं, आपने जो जानकारी दी, अगर इस तरह की रिपोर्ट मेरे पास आएगी तो मैं उससे कर दूँगा। सर गठबंधन में सरकार है वो चल रही है, लेकिन अब दोनों पार्टियों के आला नेताओं के विरोधाभास के बयान है वो सामने आने लगे हैं, तो विपक्ष भी लगातार गठबंधन सरकार पर चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, विपक्ष से कोई काम नहीं है, विपक्ष बेटा बापू तक है, अगर बापू बेटा को निकाल दो तो कुछ भी विपक्ष नहीं है, बापू बेटे हैं और बापू बेटे के अलावा हरियाणा में कुछ नहीं है। और 2024 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत बनेगी, 4 जिलों से नहीं बनेगी हरियाणा में सरकार, 22 जिलों से सरकार बनेगी हरियाणा में। आप जो जानकारी है, पूर्ण बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी, प्रदेश में। सर अवैध भाई जी, सर आप बताइए परसेंटेज को लेकर क्या प्लानिंग है। बस अड्डे जो अपने कानपुर के जो बस अड्डे हैं PPP मोड पर हम बना रहे हैं, उसमें गुड़गांव भी है, फरीदाबाद भी है, सोनीपत भी है और कुछ छिपका भी है, उनकी सारी हमने सारे टेंडर्स के तैयार कर दिए हैं। और एक नहीं बड़े हैं, ये ऐसे जो बोर्ड बना रहे हैं, छोटे मोटे नहीं बना रहे, उससे मॉल भी होंगे, उसमें बस अड्डा भी होगा, सारे उसमें सुविधा होंगी, इस तरह के वो कम बना। सर एक आखिरी सवाल, अवैध माइनिंग को लेकर आपकी सरकार लगातार बात करती है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले दिनों यमुनानगर में भी एक अधिकारी को पकड़ा गया और सोनीपत में जो है एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया, क्योंकि यमुना के अंदर जो है गड्ढे हो रखे हैं, पता नहीं लगता कहाँ गड्ढे हैं कहाँ नहीं है, अवैध माइनिंग के कारण ऐसा हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है। आप अवैध माइनिंग, आप व्यापारी माइनिंग के लिए अवैध माइनिंग वो होते हैं जो सरकार को 2 रुपये देते हैं। अगर इन व्यापारियों को, व्यापारी कोई काम करता है, सरकार को टैक्स देता है, सरकार की जेब देता है, सरकार के पहले सरकार का खजाना भरता है फिर अपना कमाता है, ये माइनिंग व्यापारी हैं। और जब माइनिंग करेंगे तो वहाँ खड्डे होंगे, वहाँ की ये जिम्मेदारी है कि जहाँ माइनिंग होती है वहाँ की 10 फुट 12 फुट का जो क्राइटेरिया है उस तरह के जहाँ भी हैं, हम कहते हैं फिर खोलने के बाद उसको लेबल किया जाए, और लेबल करने के बाद इस तरह की कोई मौत ना घटा। सर एक 7-8 साल पहले रैपिड मेट्रो को लेकर के व्यवस्था शुरू हुई थी कि दिल्ली से पानीपत तक रैपिड मेट्रो चला। टोटल हमारे जो बिल्डिंग्स में 11 समस्या थी और 10 का निपटारा किया है, एक हमारी बाकी है उसमें भी इसलिए रखा है वो लोगों से संबंधित, और एक बड़े पूरे सोनीपत से लोगों से फैमिली आईडी की समस्या थी उसके लिए करने रखा है, बाकी 10 समस्याओं को हमने निवारण किया। सर एक शिकायत में ऐसी बात सामने आई कि पिछली बैठक में जब हुई थी उस समय आदेश दिए गए थे कि गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन पीड़ित ने बताया कि उसके 2 बच्चों की गिरफ्तारी, उस मामले में क्या कुछ है। नहीं, मानता हूँ कि इसकी जानकारी में आपसे कंफ्यूज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, वो गिरफ्तारी हुई है, पर उसका क्या है कि जो 307 निकली थी वो जानकारी जो कमेटी CMO ने जो रिपोर्ट दी है 20 साल की रिपोर्ट दी है वो भी गलती, जो प्राइवेट हाउसों से खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इस तरह की झूठी रिपोर्ट को देने और गलत इस तरह की रिपोर्ट ना।
सर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना है वो लगातार जारी है, लेकिन निपटारा है वो समस्या का है वो नहीं हो रहा है। ब्रजभूषण सिंह और पहलवान अब नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, एक दूसरे को चुनौती है वो दे रहे हैं। हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है? 140 करोड़ का देश है, पहलवान भी हमारे हरियाणा की बेटियां हैं, बहनें हैं और देश के लोग भी अपने हैं, और दोनों जो है उनकी समस्या जो रखी है बेटियों ने, दूध का दूध होगा पानी का पानी, उनको न्याय मिलेगा। और मैं आज तो ये अपने जो उसने भूषण थे उनका मैं आज बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा मैं भी तैयार हूँ और जो मेरे पार्टनर वो भी नार्को टेस्ट करा। सर हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया और 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो इस बार बिल्कुल संतोषजनक ही है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा सरकार शिक्षा नीति पर काफ़ी करोड़ रुपए खर्च कर रही है बावजूद इसके रिजल्ट नहीं आ पा रहा, क्या कारण मानते हैं? नहीं, हमने शिक्षा नीति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा नीति को बढ़ावा दिया है, चाहे नीचे वाली हो या हायर एजुकेशन हो, और धीरे धीरे 2030 तक हम इस शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करेंगे। और सीधे जब कोई शिक्षा नीति परिवर्तन होता है तो समय लगता है, और मैं हरियाणा के एजुकेशन के मंत्री जी को यहाँ के टीचर को बधाई दूंगा जी कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना बढ़ावा दिया है और शिक्षा में जितना सुधार हुआ है, और इससे मैं उनको बधाई दूंगा कि आने वाले समय में शिक्षा को और सुधारने का प्रयास करेंगे और हम सब करेंगे मिलकर कि बच्चे एक एक बच्चे हैं, सबको पढ़ाना है और सबको बच्चों को शिक्षा देनी है, उस शिक्षा के रास्ते पर लाना। सर सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।